नमस्कार, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल ग्लैंड्स होती है, ये सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है और ये मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होती है। ये एक मार्बल के साइज की यानी एक छोटे कंचे के साइज की होती है। ये यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के जस्ट नीचे पाई जाती है और रेक्टम यानी कि जो स्टूल पास करने का रास्ता है उसके आगे पाई जाती है। और ये ग्लैंड यूरेथ्रा यानी जो यूरिन पास करने का रास्ता होता है उसके ऑल अराउंड उसको कवर करती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज उम्र के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। लेकिन अगर साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो यूरिन पास करने में समस्याएं पैदा होने लग जाती है, जिसे हम बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर प्रोस्टेट का साइज बड़ा होता है तो इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स यानी लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण होता है कि आप यूरिन करने जाएंगे तो यूरिन शुरू होने में दिक्कत आती है और यूरिन पास होगी तो वो कट कट के होगी और यूरिन की स्ट्रीम प्रॉपर नहीं बनती है। और दूसरा लक्षण होता है बार बार यूरिन पास करने जाना। एक बार में पूरी यूरिन पास नहीं होती है और बार बार यूरिन करने जाने का एहसास होता है। और रात में बार बार पेशाब आना यानी 4 से 5 बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और कभी कभी यूरिन पास करने जाने से पहले ही छूट जाती है। और एक लक्षण होता है यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से यूरिन पास करने में जलन होती है। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होती है तो जो यूरिन पास करने का रास्ता होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं तो उस पर प्रेशर पड़ता है। इस वजह से यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हो पाती है और ब्लैडर में यूरिन बच जाती है जिसे हम यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। अब देखते हैं इन सब समस्याओं का कारण क्या होता है। तो 60 साल से ज्यादा एज के मेल्स में 100 में से 80% में प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, लेकिन सभी केसेस में ये समस्याएं नहीं होती है। सिर्फ 20% केसेस में ही प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से समस्याएं होती हैं और एज बढ़ने के साथ साथ ये समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। तो प्रोस्टेट के साइज के बढ़ने से यूरिन पास करने का रास्ता यानी यूरेथ्रा पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। अब सवाल उठता है क्या प्रोस्टेट बढ़ने से कैंसर का खतरा है। तो दो कारणों से प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। पहला होता है बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया और दूसरा होता है प्रोस्टेटिक कैंसर। तो अब हम बात करेंगे कि अगर प्रोस्टेट का साइज बड़ा है तो इसके लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करवाए जाते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इसे इवेल्युएट करने के लिए यूरोफ्लोमेट्री करवाते हैं जिसमें आपके यूरिन का फ्लो देखा जाता है। और दूसरा होता है सोनोग्राफी, अगर प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो तो वो सोनोग्राफी में दिख जाता है। तीसरा होता है यूरिन टेस्ट, इसमें यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो तो वो चीज पता चल जाती है। और अगर डॉक्टर को लगता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है तो वो स्टूल के रास्ते से उंगली से प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन करते हैं और अगर उसमें कुछ हार्डनेस फील होता है तो वो कैंसर हो सकता है। तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिसे पीएसए कहते हैं। पीएसए मतलब प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और पीएसए की नॉर्मल वैल्यू 3 से 4 नैनोग्राम पर ml होती है और अगर पीएसए की वैल्यू 4 और 10 के बीच आती है तो इसे बॉर्डरलाइन कहते हैं और 10 नैनोग्राम पर ml से ऊपर अगर आती है तो ये कैंसर के लिए डाउटफुल हो सकती है। और अगर पीएसए की वैल्यू 10 नैनोग्राम पर ml के ऊपर आती है तो कैंसर को कन्फर्म करने के लिए बायोप्सी करवाया जाता है। बायोप्सी मतलब प्रोस्टेट से कुछ टिश्यू के टुकड़े लिए जाते हैं और इन्हें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके ये पता लगाया जा सकता है कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो बीपीएच में आजकल 70 से 80% केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और दवाइयों से इसका इलाज किया जाता है और इससे प्रोस्टेट का साइज कम हो जाता है। और कुछ पेशेंट यानी 20% केसेस में ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है और वो भी आजकल मॉडर्न टेक्निक से यानी दूरबीन से की जाती है जिसमें कि कोई चीर फाड़ नहीं होती है और यूरिन के रास्ते से दूरबीन डालकर प्रोस्टेट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और दूरबीन से जो सर्जरी होती है इसे हम TURP कहते हैं यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। और दूसरी होती है लेजर सर्जरी, इसमें लेजर मशीन से प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है और उसमें ब्लीडिंग भी कम होती है, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है और अगर आप एफर्ट कर पाए तो लेजर सर्जरी करवाना बेस्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं
प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट। तो अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पता चल जाता है तो पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है और रेडियोथेरेपी देकर इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट संभव है। और लेट स्टेज में हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें दवाइयों के थ्रू टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम किया जाता है जिससे प्रोस्टेट की ग्रोथ कम हो जाती है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। तो अगर आपके फादर, चाचा जी या फिर दादाजी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर की रिस्क 9% बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में अगर आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा हुआ हो तो आपको समय समय पर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।